साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बीच बड़ी खबर है और वो ये है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गठबंधन दो फाड़ हो गया है। कांग्रेस विधायकों की बगावत ने उद्धव ठाकरे को बर्बाद कर दिया है और जैसे ही होटल से निकले वैसे ही कहानी खत्म हो गई, जिसके बाद कांग्रेस पर ही उद्धव ठाकरे भड़क गए क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने नेताओं ने उद्धव ठाकरे को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है। तो दिखाते हैं बताते हैं आपको कैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गठबंधन फाड़ हो गया, कैसे विधान परिषद की वोटिंग के बीच बवाल मच गया, सब कुछ बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो जैसी आशंका जताई जा रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, यानी कि विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई है। कहां तो उद्धव ठाकरे उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग होगी और उनके उम्मीदवार की जीत बेहद आसान हो जाएगी, यहां तक कि वो न सिर्फ शिंदे गुट बल्कि अजीत पवार गुट के विधायकों के भी उद्धव ठाकरे के पक्ष में वोट डालने की बात कह रहे थे, दावे कर रहे थे। मगर यहां तो दांव ही उल्टा पड़ गया क्योंकि उद्धव ठाकरे को झटका लगा है क्योंकि ठाकरे की पार्टी उनके गठबंधन के लाभ क्रॉस वोटिंग हो गई है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव नतीजों से ठीक पहले आपको बता रहे हैं कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं कांग्रेस के विधायक। साथ ही साथ खबर है कि उद्धव ठाकरे के खेमे से भी कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, हालांकि इसका कंफर्मेशन आना भी बाकी है, लेकिन हां कांग्रेस की खबर पुख्ता है, पक्की खबर है। कांग्रेस के तीन विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं किया। पहला नाम है जिशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी के बेटे और कांग्रेस विधायक। जिशान पहले तो कांग्रेस की बैठक से गायब रहे और खबर है कि अब जिशान सिद्दीकी ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया, उद्धव ठाकरे के खिलाफ वोटिंग की है। और वैसे भी उनके पिता बाबा सिद्दीकी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी गठबंधन में शामिल अजीत पवार के एनसीपी में शामिल हो गए थे, लिहाजा उनका जाना पहले से तय माना जा रहा था। दूसरे नाम है जितेश अंतापुरकर और अंतापुरकर के भी क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। अंतापुरकर भी कांग्रेस की बैठक से गायब रहे, बैठक में नहीं गए और अब फाइनली उन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ वोट कर दिया, क्रॉस वोटिंग कर दी है। जितेश पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के बेहद करीबी माने जाते हैं, अशोक चव्हाण बीजेपी में पहले ही शामिल हो चुके हैं, लिहाजा अंतापुरकर भी बीजेपी की तरफ हो लिए हैं। तीसरे नाम है संजय जगताप, हालांकि जगताप भी कांग्रेस की मीटिंग से गायब रहे, लेकिन थोड़ा सा मामला संजय जगताप का अलग है क्योंकि वो अभी धार्मिक यात्रा पर हैं, वो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा में शामिल हैं, इस वजह से वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि सभी विधायकों को यहां पहुंचना जरूरी था और संजय जगताप चाहते तो वोटिंग के लिए पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने वोटिंग से दूर रहना ही ठीक समझा और उनका ये फैसला भी कांग्रेस के खिलाफ गया, उद्धव ठाकरे के खिलाफ गया, महाविकास अघाड़ी के खिलाफ खबर गया। हालांकि अभी पूरी पूरी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन शुरुआती खबरें जो हैं वो यही है कि अब उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनके खिलाफ भी क्रॉस वोटिंग हो गई है जो कि विधानसभा चुनाव से पहले उनके लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। खबर है कि कांग्रेस विधायकों की इस बगावत के बाद, कांग्रेस विधायकों की इस करतूत के बाद उद्धव ठाकरे भड़क गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश की है, कुछ नेताओं को फोन पर सुनाया भी है, बताया भी है कि उनकी पार्टी के नेताओं ने पूरा का पूरा खेल खराब कर दिया, उद्धव ठाकरे इसे लेकर बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि होटल से निकलकर सारे के सारे विधायक उनके वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे, उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को साथ ही लेकर पहुंचे थे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी साथ में थे, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके बेटे के होटल से निकलते पूरा का पूरा मामला बर्बाद हो गया उद्धव ठाकरे के लिए, कांग्रेस के लिए, महाविकास अघाड़ी के लिए। तो कुल मिलाकर क्रॉस वोटिंग हो चुकी है, ये फाइनली पक्की खबर आपको बता रहे हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। मुंबई में विधान परिषद चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले बड़ा बवाल हो गया और अब तो होटल होटल रिजॉर्ट रिजॉर्ट वाली पॉलिटिक्स हो रही है। और इससे भी बड़ी बात, अपने विधायकों को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने बड़ा गेम खेला लेकिन खुद भी फंस गए, यहाँ तक कि खुद को भी उद्धव ठाकरे ने होटल में ही शिफ्ट कर लिया है क्योंकि रेड पड़ने का डर सता रहा था, जिससे मुंबई में घमासान है। तो क्या वाकई में बेटे आदित्य ठाकरे को बचाने के चक्कर में खुद भी उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, क्या है विधान परिषद चुनाव का गणित, सब कुछ आपको दिखाते हैं बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई और अब की बार इसकी शुरुआत उद्धव ठाकरे की तरफ से हुई है। हमने पहले भी आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर लिया था क्योंकि मुंबई में ज्यादातर होटल अनंत अंबानी की शादी के चलते फुल हैं। तो उद्धव ठाकरे ने मुंबई के बाहरी इलाके के होटल में अपने विधायकों को ठहराया था, लेकिन अब खबर थी कि वहां पर सादे कपड़ों में कुछ लोग भी पहुंचे थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो पुलिस वाले थे। हालांकि इसकी पुष्टि हुई नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों को वो अपने साथ भी लेकर गए, ऐसी भी खबरें आ रही थी। अब नई खबर यह है कि उद्धव ठाकरे को सेंट्रल मुंबई में होटल मिल गया। जी हाँ, सेंट्रल मुंबई के होटल ITC ग्रैंड सेंट्रल में उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों को शिफ्ट कर लिया है। और बड़ी बात यह है कि इन विधायकों के साथ साथ उद्धव ठाकरे खुद भी होटल में शिफ्ट हो गए और इसकी वजह बड़ी हैरानी भरी है। खबर है कि उद्धव ठाकरे के साथ कुछ दूसरी पार्टी के विधायकों के होने की बात कही जा रही थी, यानी कि दूसरी पार्टी के विधायक उद्धव ठाकरे के साथ होने पास होने की बात कही जा रही थी और इसी शक पर उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में रेड होने की बात कही जा रही थी। लिहाजा आनन फानन में उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया और अपना घर ही छोड़ दिया। जी हाँ, मातोश्री को छोड़ दिया और वो खुद भी ITC सेंट्रल ग्रैंड में शिफ्ट हो गए और ये सब कुछ अपने बेटे को बचाने के लिए किया ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि बड़ा आरोप उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर ही है। दूसरी पार्टी के विधायकों की तोड़फोड़ में वो लगे हुए हैं, वहीं दूसरी पार्टी के विधायकों से संपर्क भी कर रहे हैं और उन पर ही विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करने जैसे ये सारे के सारे बड़े आरोप आदित्य ठाकरे पर ही लग रहे हैं। लिहाजा बेटे को बचाने की खातिर, बेटे की खातिर उद्धव ठाकरे भी होटल में शिफ्ट हो गए और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी होटल में ही मौजूद हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे तो विधायक भी हैं और विधायक होने के नाते भी वो पहले से ही होटल में मौजूद हैं और अब अपने पिता के साथ मौजूद हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे ने एक तरह से जो मातोश्री में रेड हो सकती थी उसको टाल दिया है, उनके बेटे पर जो एक्शन हो सकता था उसे फिलहाल टाल दिया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद भी होटल में शिफ्ट हो गए और अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। असल में पूरा का पूरा बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में 11 MLC की सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपना एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट इसमें खड़ा कर दिया जो कि 12वां कैंडिडेट है। लिया जाए इसके लिए तय माना जा रहा है कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। हालांकि क्रॉस वोटिंग का फायदा उद्धव ठाकरे को भी मिल सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे के विधायक भी इधर से उधर हो सकते हैं। लिया जाए उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें होटल में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उन पर भी दूसरी पार्टी में तोड़फोड़ के आरोप लग रहे हैं और इसी वजह से वो भी भागे भागे फिर रहे हैं अपने बेटे के साथ, कभी होटल में एक होटल में तो कभी दूसरे होटल में शिफ्ट हो रहे हैं। लिहाजा उन पर भी इसे लेकर कार्रवाई हो सकती है, कहा जा रहा है कि उन पर बड़ा एक्शन हो सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या उद्धव ठाकरे अपने विधायकों के साथ साथ खुद को जेल जाने से बचा पाएंगे, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।